हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। हमने लास्ट सेशन में कोशिश की जिस वजह से हम कह सकते हैं कि रीजनल पार्टीज की ग्रोथ क्यों हुई, एंड आज हम सेशन करेंगे रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोकल एरिया में एक स्टेट लेवल पर होती हैं, हमारे देश में 2700 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनमें से सिर्फ 8 रेकग्नाइज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाकी सभी पार्टीज क्या आती हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज रेज रीजनल इश्यूज टू द नेशनल लेवल। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं रीजनल लेवल के, जे अपने लोकल एरिया उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स को नेशनल लेवल तक लेकर जाते हैं, क्योंकि लोकल लेवल की क्या प्रॉब्लम्स है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पता चलता है, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से कोऑर्डिनेशन करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। इट मींस क्या है, जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं सेंटर में पता चल जाती हैं और उसका सलूशन सेंट्रल लेवल पर भी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जे पॉलिटिकल पार्टीज लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लोकल लेवल प्रॉब्लम्स, एंड एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम जे कहते हैं हम डिवेल्प हो रहे हैं। इनमें से कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा डिवेल्प हुई हैं और कुछ स्टेट्स हैं बैकवर्ड रह गई हैं। जो स्टेट्स बैकवर्ड हैं, वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इश्यूज को, अपने मैटर्स को, प्रॉब्लम्स को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज तक लेकर जाती हैं, जिससे वो भी डिवेल्प कर सकती हैं। तो डिवेलपमेंट किस वजह से हो रही है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम ये कह रहे हैं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे ब्रिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे हमारा कल्चर है, कल्चर भी क्या है, डाइवर्स कल्चर है। डाइवर्स कल्चर होने की वजह से हम फिर भी एक हैं, यूनाइट हैं। लाइक दिस, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन पार्लियामेंट में सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टी यूनिटी से लॉ बनाती हैं। तो हम ये कहते हैं हमारी पार्लियामेंट है वो क्या है, डाइवर्स है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टी एजेंडा है, फिर भी मिलकर देश के वेलफेयर के लिए, देश के हित के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे ब्रिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन द नेचर एंड कोर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। आज के टाइम में सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छा स्मूथ बन चुका है। 89 तक के टाइम पीरियड में क्या था, एक डोमिनेंट पार्टी थी कांग्रेस की। आफ्टर दैट हम जो कहते हैं कोलिजन का पीरियड स्टार्ट हो गया। तो इस एरा में हम देखते हैं कि सेंटर एंड स्टेट की रिलेशनशिप भी स्मूथ हो रहे हैं। सेंटर रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी से कोलिजन कर रही है, अलायंस बना रही है, जिस वजह से वो पावर में आ सके। पहले क्या था, एंटी सेंट्रिज्म चल रहा था, लेकिन अब कोऑपरेशन चलने लगा है। तो हम ये कहते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है, एनाइस बन चुकी है, कोलिजन का एरा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सेंटर एंड स्टेट की डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट इज इट मेड पॉलिटिक्स मोर कॉम्पिटिटिव। अगर एक ही पार्टी होगी, एक पार्टी का रूल होगा, तो कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो वो डिक्टेटरशिप बन सकती है। इसीलिए जब सेंटर के साथ साथ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ कंपटीशन होता है, तो सभी क्या करते हैं, अच्छे स्मूथ वर्किंग करते हैं, वो अपने 100% लगाते हैं, ताकि हम डेवलपमेंट कर सके, देश के वेलफेयर के लिए काम कर सके, लोग हमें वोट दें। हम ये कहते हैं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, दैट आर पॉपुलर इन देयर पर्टिकुलर एरिया, तो उसको डिफीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर डिफीट करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे काम करने पड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं लोगों में ऑप्शन हो जाती है कि वो कौन सी पार्टी को चूज करते हैं, एंड पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन के साथ लड़ती हैं, देश के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, लोगों के वेरियस ओपिनियन होते हैं, एंड अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपनी पार्टी को वोट देती हैं।
पार्टी का एजेंडा होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे को एनालाइज करती हैं, उसके बाद जिसके साथ उनकी आइडियोलॉजी मिलती है उसको अपनी वोट देते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ करती है। हम कहते हैं हम फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म है सेंटर एंड स्टेट है इनमें पावर डिवाइड हुई है। जब हम आज के टाइम में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये सब कुछ क्या करते हैं, हमारे देश के फेडरलिज्म को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिर्फ उनकी पावर नहीं है, वो डरती हैं रीजनल लेवल पर भी उनको जीतना है, इसीलिए वो कॉपरेशन से बात करती हैं, काम करती हैं, तो पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स बनी है जो फेडरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी पावर पर कंट्रोल करती हैं, चेक लगाती हैं, जिससे हमारा फेडरलिज्म और भी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ सोशल एंड कम्युनिस्ट ग्रुप। इसमें हम कहते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल एंड कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं ये क्या कर सकती हैं, अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकती हैं। अगर हमको लगता है किसी एक सोशल ग्रुप की या कम्युनिस्ट ग्रुप की डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकती हैं और इलेक्शन लड़ सकती हैं। अगर वो पार्टी की डिमांड्स सही हैं तो लोग उनको वोट डालते हैं और वो पावर में आ सकती हैं, जिससे उनकी डिमांड फुलफिल हो सकती है। तो जो जे सोशल एंड कम्युनिस्ट ग्रुप है, अगर नेशनल पार्टी में इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, तो इनको लोकल लेवल पर बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, जिससे इनकी डिमांड्स फुलफिल हो जाती हैं। नेक्स्ट इज असिस्ट द यूनियन गवर्नमेंट इन सॉल्विंग लोकल इश्यूज। जितने भी लोकल इश्यू हैं उनको सॉल्व करने में यूनियन गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट का बर्डन है वो शेयर हो रहा है। कैसे? क्योंकि उनको पता है लोकल लेवल की पार्टीज हैं वो क्या करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तक ले आएंगे, जिससे वो आपस में मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती, जिससे उनका बर्डन क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एंड वो देश के वेलफेयर के लिए काम कर पाती हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेसी में हमको अपने अकॉर्डिंग वोट देने का राइट है, इलेक्शन लड़ने का राइट है। अगर कहीं अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही हम अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो ये क्या करती है, लोगों को एक ऑप्शन देती है कि वो अपने रूलर खुद चुन सके। अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि नेशनल रूलर ही चूज करने हैं, तो इससे हो सकता है हमारी लोकल नीड्स फुलफिल ना हो, तो हम अपनी लोकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने लोकल लेवल के जो मेंबर्स हैं उनको ही चूज करते हैं, जो हमारी डिमांड को फुलफिल करते हैं, तो लोगों को अच्छे ऑप्शन मिल जाती है। नेक्स्ट नेशनलिज्म टू रीजनलिज्म। हम कहते हैं पूरे देश का विकास, देश के कोने कोने का विकास, जिसको हम कहते हैं रीजनलिज्म। सिर्फ देश का विकास कहने से नहीं होता, अगर हर एक कोने में विकास होगा, हर एक एरिया डिवेलप होगा, तभी तो देश का विकास होगा। इसीलिए हम जो कहते हैं रीजनल पार्टीज हैं वो रीजन के डिवेलपमेंट के लिए काम करती हैं। रीजनल पार्टीज जब वो ऑटोनॉमी अटेन कर देती हैं, ऑटोनॉमी अटेन करने के बाद अपने पर्टिकुलर रीजन के डिवेलपमेंट के लिए ही काम करती हैं, तो ऑटोनॉमी अटेन करना रीजनलिज्म कहलाता है, जिसमें वो लोकल एरिया की सभी डिमांड्स को फुलफिल करनी है। एंड लास्ट वन इज पावरफुल चैलेंज टू इंडियाज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। हम कहते हैं हमारे देश में एक पार्टी डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, सभी की सभी पार्टीज को रोल करने का राइट है, जे हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। तो हम ये कह रहे हैं जे बहुत बड़ा चैलेंज है टू वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। देश में एक पार्टी नहीं होगी, हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है। हम देखते हैं कितने ज्यादा स्टेट्स हैं, उनमें लोकल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर रही है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पर है उसकी डोमिनेंस खत्म हो जाती है। मल्टी पार्टी सिस्टम है
इसको वो सार्थक बनाती हैं एंड डिक्टेटरशिप को खत्म कर देती हैं, जिससे रीजनल लेवल की डिमांड्स फुलफिल होती है। तो हम ये कहते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं लोकल लेवल की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, रीजन की डेवलपमेंट के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एंड आज के टाइम में ये बात नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी समझ चुकी हैं, इसीलिए वो क्या करती हैं, कोलिजन बनाती हैं विद द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जिस वजह से वो रूल कर सकती हैं। विद दिस हमारा रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज सेंड योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।